भाई साहब तेरे नाम है बंदर गाइस। देखो भाई ये भी तेरे नाम वो भी तेरे नाम। गाइस देखिए मैं नियो द ब्लॉगर के ब्लॉग से आई हूँ, तो अभी दोनों का वीडियो कर रही हूँ। देखो Hey guys, welcome back to my new vlog। और एक बहुत बड़ा बैड न्यूज़ है guys, मेरा जो ये YouTube चैनल है वो फ्रीज हो चुका है। और आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो कि मेरा व्यूज़ एकदम पहले कितना आता था, अभी पूरा डिक्रीज हो चुका है। पहले 3 आवर्स में 60 व्यूज़ आता था, अभी 2 डेज़ में भी 50 के ऊपर नहीं जा रहा है व्यूज़। आई डोंट नो ये क्या हो गया मेरे चैनल को। सो मुझे आप लोगों का हेल्प चाहिए गाइस। एक टाइप से बहुत अंदर से दुख फील हो रहा है गाइस। करीब 1 ईयर होने वाला है मैंने ये यूट्यूब जर्नी स्टार्ट किया, और अभी इन द एंड पे जब मेरा चैनल मोनेटाइज होने वाला था उस टाइम ही भाई अकाउंट फ्रीज हो गया। आपका भाई फुल डीमोटिवेट हो गया था जब मेरे को पता चला कि मेरा चैनल फ्रीज हो गया है। पर कोई नहीं ना, ऊपर वाला मेरे से परीक्षा ले रहा है कि मैं कितना कैपेबल हूँ बोल के। हम हार नहीं मानेंगे, हम वीडियो बनाएंगे, हम ब्लॉगिंग करेंगे, यूट्यूब पे वीडियो डालेंगे, चाहे उस पर 10 व्यूज आए या फिर 5 व्यूज। चलो कोई नहीं, आज के ब्लॉग में हम क्या करने वाले हैं। आज के ब्लॉग में मैं जाने वाला हूँ वोटिंग करने के लिए। आपने मेरा पहला वाला ब्लॉग देख ही लिया होगा महानंदी पे, पर क्या हुआ कि हम लोग अच्छे से ब्लॉग नहीं बना पाए। प्लस मेरे को बोटिंग करने का बहुत मन था बट वहाँ पर बोटिंग करने का कोई प्लेस ही नहीं था। आज मैं, समिता नाना और जीजाजी रहेंगे, सुबह भी रहेगी, और हम 4 जन जाएंगे आज बोटिंग करने के लिए। पर मेरे को अच्छे से लोकेशन का नाम तो नहीं पता है कहाँ है। और यहाँ सुबह क्या कर रही है, सुबह इधर वो नेल वो कर रही है, नेल पे कलर लगा रही है ना। मैं तो हो चुका ऑलरेडी, देख सकते हो। मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं कर पाएंगे क्योंकि मेरे को बाइक चलाना पड़ेगा ना, तो थोड़ा मोड़ा ब्लॉग होगा। तो गाइस अभी हम लोग पहुँच चुके हैं नाना के रूम के बाहर, अभी नाना रूम से बाहर आएगी और हम लोग साथ ही में जाएंगे बोर्डिंग करने के लिए। हमारे इधर जीजा जी और हमारी नाना आ चुके हैं, तो अभी हम लोग जाएंगे बोर्डिंग करने के लिए। हमारा रास्ते पे रुके हुए और देखो चेक इट आउट दिस, आई लव नंदियाल मिल चुका है हमें। सो अभी मैं यहाँ पर थोड़ा देर रुका हूँ इधर से, क्योंकि उस साइड पे पानी मस्त दिखता है। और ना सिंह इधर पानी जो है एकदम बढ़िया दिखता है गाइस, देखो वाह ओपे, और देख रही है दौड़ने, देखने के लिए दौड़ रही है, वाह भाई। बोर्डिंग करने का जगह, लेकिन बोर्डिंग करने का जगह जो है वो बंद है गाइस, एकदम मेरा बोले तो पूरा बैड लक चल रहा है, ठीक है। तो गाइस हमारा प्लान चेंज हो चुका है और अभी हम लोग जाने वाले एक सुनसान से बढ़िया जगह पे, वो लोकेशन हमारे जीजा जी हमको बताएंगे। सो गाइस हमने पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भी डाल लिया, अब जीजा जी तो निकल रहे, अब हम भी निकल रहे हैं। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं महानंदी, अब हमारे जीजा जी तो आगे निकल चुके हैं, और ये इसको यहाँ पर पानी लेना था। क्या कर रहे हो? और अभी हम ये मंदिर के आगे थोड़ी देर रुके हैं, और आगे जाना ना, और आगे जाना है। अभी हम लोग आधा रास्ता पहुंच गए, तो चलिए हम लोग के साथ आगे। पूरा टाइम लगता है, बना नहीं टाइम ला, बहुत टाइम लगता है, फिर बहुत टाइम लगता है। तो हमारे चीजा लोग निकल चुके हैं, अब हम लोग निकलते हैं। गाइस अभी हम लोग थोड़ा पेट्रोल पंप पे रुके हुए, आई थिंक पेट्रोल थोड़ा और डालना पड़ेगा, हमें बहुत लंबा जाना है, करीब 30 किलोमीटर जैसा हम लोग को जाना पड़ेगा। हमारा पेट्रोल बच चुका है और पेट्रोल भी बहुत ज़्यादा है, हील है साफ पेट्रोल। लेट्स गो गाइस। अभी हम लोग थोड़े मंदिर पे रुके थे, पर यहाँ पर मंदिर बंद हो गया बोल रहे, और यहाँ का बंदर देखो भाई साहब, तेरे नाम है बंदर गाइस। देखो भाई ये भी तेरे नाम वो भी तेरे नाम, थोड़ा सा साइड होना, थोड़ा सा
अरे ये तो यहीं आ गया भाई। कहाँ जाने अगाड़ी जाने अजय ओके तो हमें और आगे जाना पड़ेगा। अरे भाई साहब जगह देखो एकदम हॉरर है। हमारे टीचर ने कहाँ लेके आया चारों ओर बैम्बू ही बैम्बू। और देखो अंदर तक जंगल रास्ता भी देखो आगे। ओ भाई साहब मजा आ रहा है लेकिन सच बताओ जो पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं बड़ा मजा आ रहा है यार। वाह तो गाइस हम लोग थोड़ा देर इधर आगे एक हम लोग ने पार्क देखा था तो वहाँ पर रुके हम। तो ये गाइस पार्क का नाम है नल्ला मलाई जंगल कैंप। ठीक है तो चलिए चलते हैं अंदर ऊपर रिसेप्शन रिसा क्या जाके पूछते हैं या क्या फ्री है या फिर टिकट लगेगा इसका है ना। पार्क के अंदर जाना टिकट लगता फ्री इस साइड फ्री ओके थैंक यू अन्ना फ्री। तो गाइस ये पार्क फ्री है तो चलिए थोड़ा घूम लेते हैं आप इतना दूर आ चुके तो ना। और यहाँ पर देखो भाई आंटी लोग भी खेल रहे हैं झूला और ये झूला बहुत बड़ा है गाइस। ये पार्क बढ़िया है गाइस देखो ला 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 रोने वाली थी वो भाई। गाइस हमारा घर से निकलते हुए प्लान था बोर्डिंग का ना और देखो भाई हमारा प्लान चेंज हो गया क्या हो गया और अभी हम नल्ला मलाई पार्क में है गाइस। और ये क्या है भाई ऐसे पार्क में बढ़िया बढ़िया स्टफ वगैरह है बच्चों का खेलने का। और एक चीज़ मैं बताता हूँ बुरा मत माना गाइस और ये जो पार्क है ये जो नंदी पार्क है उस पार्क से थोड़ा बढ़िया है गाइस। देख सकते हो यहाँ का जो जो आइटम है सब टूटा कुछ भी नहीं है सब एकदम बढ़िया मेंटेन करके रखा है साफ भी है देख सकते हो। और मेरे को ये पार्क एकदम बढ़िया लगा ठीक है। और मेरे को वो बड़ा सा झूला खेलने का बहुत मन कर रहा है। देखो भाई यहाँ पर हमारे आंटी अंकल लोग भी खेल रहे हैं और ये देखो अब आएगा ना मजा मजा बसा चलो बसा बसा मजा ना बसा ना बसा ना उसको मजा आ गया मजा आ रहा है। ये तो उधर खड़ा था नंदी पार्क में उतरा ना जाओ माना चलो चलो यहाँ हमारे यहाँ का मजे से खेलते हुए देखो गाइस रो रही है कितना हालत खराब उसका अन्ना उड़ी पॉल्टीन डाल ठेल दे देखो गाइस ये लोग बच्चों के जैसे खेल रहे हैं देखो ऐसा भी कोई खेलता है क्या गाइस देखिए मैं नियो द ब्लॉगर के ब्लॉग पे आई हूँ तो अभी दोनों का वीडियो कर रही हूँ देखो मैं यता झरौँ भनेको थिएँ नि त गर्मी के वजह से गाइस इतना पसिना पसिना हो गए देखो अभी मैं यहाँ से नीचे जा रही हूँ अभी मैं इधर बैठने वाली हूँ
मैं इधर पार्क में आके मजा आ गया। और अब क्या करेंगे, अभी हम लोग घर जाएंगे। देखो भाई 6 बज चुके हैं, तो अन्ना को भी बाइक चाहिए मेरे हिसाब से। गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना और थोड़ा सा अपना प्यार दिखा देना ये वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।